कि नोट के ऊपर से गांधी जी की फोटो को हटाओ। हम तो सिर्फ इतना कहते हैं कि जो लोग इस देश के लिए जान देकर गए, शहीद आजम वीर भगत सिंह की भी फोटो नोट के ऊपर होनी चाहिए। इस देश में आजादी ऐसे ही नहीं आई। अगर आज इस देश को वो नौजवान आजाद ना कराते, ना तो हम यहाँ पे रागनी गा रहे होते और ना ही आप यहाँ पे रागनी सुन रहे होते। कहाँ होते? किसी अंग्रेज के जूते साफ कर रहे होते, झाड़ू लगा रहे होते, गुलामी कर रहे होते। इसीलिए कहा कि इस देश में आजादी लाने के लिए 7,32,680 नौजवानों ने बलिदान दिया, जब जाके देश में आजादी आई। ऐसे ही आजादी नहीं आई। सुनते हैं रागनी के माध्यम से भगत सिंह के बारे में कवि ने क्या बताया। कहा कि चमन से अच्छा कोई नहीं और इस गगन से अच्छा कोई नहीं, किस चमन से अच्छा कोई नहीं और इससे गगन से अच्छा कोई नहीं, सच बूझो तो मेरे दोस्तों, मेरे वतन से अच्छा कोई नहीं, मेरे वतन से अच्छा कोई नहीं। कलाकारों को तालियों का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है। कहते हैं कलाकार को और नेता को तालियां ऐसे लगती है जैसे जाप्पे वाली औरत को घी और गूंद लगता है, तो तालियां जरूर बजाते रहना। रागनी की कोई लाइन अच्छी लगे या कोई भी देशभक्ति शेर और शायरी अच्छा लगे तो तालियों से आशीर्वाद जरूर देते रहना। आइए सुनते हैं क्या लिखा रागनी में। हे रे भारत माँ का पूत लाडला, दिल में बसना चाहिए भगत सिंह सरदार, छपना चाहिए रे। कहा कि महात्मा गांधी जी को राष्ट्रीय पिता का दर्जा मिला हुआ है। हम ये नहीं कहते कि भगत सिंह को भी राष्ट्रीय पिता का दर्जा दो। जब महात्मा गांधी जी को राष्ट्रीय पिता का दर्जा मिल सकता है तो भगत सिंह को राष्ट्रीय पुत्र का दर्जा तो मिलना ही चाहिए। किस तरह से क्या लिखा रागनी में। हे रे भारत माँ का पूत लाडला, भारत माँ का पूत लाडला, दिल में बसना चाहिए रे, चाहिए रे, चाहिए रे, नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे। साए थे कोड़े रे,
होकर आदरणीय वैभव जी 500 रुपए का पुरस्कार देते हैं। तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने ऐसी देशभक्ति रागड़ी पे मान सम्मान की आशीर्वाद दिया। कहा कुछ लोग कहते हैं कि इस देश को आजादी लाने में एकमात्र गांधी जी की वजह से इस देश में आजादी आई, लेकिन कहा कि गांधी तने दी आजादी चला चला के चरखा, अरे गांधी तने दी आजादी चला चला के चरखा, और आजादी को लाने वाले सौदा कर गए सरका कि कितने झूले फांसी पर कितनों ने गोली खाई थी, कितने झूले फांसी पर कितनों ने गोली खाई थी, क्यों झूठ बोलते हो साहब कि चरखे से आजादी आई थी। इस देश में एकमात्र चरखे से आजादी नहीं आई, आप सभी लगा लो, अगर चरखे से आजादी आती तो 7,32,680 नौजवानों को सीने पे गोली और फांसी के फंदे को चूमने की क्या जरूरत थी अगर चरखे से आजादी आती। इसीलिए कवि ने जवाब दिया कि इस देश में आजादी कैसे आई, इस देश में आजादी इसलिए आई और ऐसे आई, लाइनें अच्छी लगे तो तालियां चाहूंगी, कि हिंसा कर पहले ना करती अहिंसा का मान नहीं होता, हिंसा कर पहले ना करती अहिंसा का मान नहीं होता, अर्जुन कर कायर नहीं बनता गीता का ज्ञान नहीं होता, हिंसा कर पहले ना करती अहिंसा का मान नहीं होता, अर्जुन कर कायर नहीं बनता गीता का ज्ञान नहीं होता। उस नेता और भगत सिंह का, उस नेता और भगत सिंह का कर बलिदान नहीं होता तो चाहे कितने गांधी मर जाते, आजादी का सैगान नहीं होता, आजादी का सैगान नहीं होता। दूसरी लाइनों में क्या लिखा कवि ने, साथ दिया और दूसरा किसान। अगर जवान सीमा पे देश की रक्षा नहीं करेगा तो हम सुरक्षित अपने घरों में नहीं रह पाएंगे, और अगर किसान खेतों में अन्न पैदा नहीं करेगा तो फिर हम भूखे मर जाएंगे। इसीलिए कहा इस देश में बहुत सारे नारे लगते हैं, तरह तरह के नारे लगते हैं, लेकिन जो असली नारा है इस देश का वो कौन सा है, जय जवानी और जय किसान का, जय हमला
पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों ने पीछे से हमला किया और हमारे 44 सैनिक अपनी शहादत देकर गए, लेकिन हर हिंदुस्तानी का खून खोल उठा और ये कह दिया कि ये पाकिस्तान किया है वार पीछे से तूने, तू खुद को शेर समझता है कि किया है वार पीछे से तूने, तू खुद को शेर समझता है, अरे चूहे की प्रजाति होकर हम शेरों से मुंह लगता है, अरे तुझे तेरी माँ ने दूध पिलाया तो बार सामने से आके कर, हम माँ भारती के लाल है, हम पीछे नहीं हटेंगे, कहा कि ना भूलेंगे ना माफ करेंगे, जो तूने हरकत जो गद्दारी हमारे साथ की है हम उसे बुला नहीं सकते, कि ना भूलेंगे ना माफ करेंगे, ये अब के हमने ठानी है और भारत माँ के लालों की कुर्बानी व्यर्थ ना जानी है, अरे हमें कसम है भारत माँ की, हमें कसम है भारत माँ की, हम घर में घुस के मारेंगे और कश्मीर की तो बात छोड़ पाकिस्तान, अब लाहौर में तिरंगा गाड़ेंगे, लाहौर में तिरंगा गाड़ेंगे, लेकिन नौजवान इस देश के लिए शहादत देकर जाते, लेकिन जो इस देश के गद्दार नेता है ना, जो मंत्री है, वो नौजवानों की कीमत लगाते हैं। जब इतनी बात एक माँ ने सुनी, एक फौजी की माँ ने एक संदेश में लिखा, एक चिट्ठी में लिखा, अरे नौजवानों की कीमत लगाने वालों, उस बाप के दिल से पूछ के देखो कि उसके बेटे की कीमत क्या थी जिस बाप का बेटा इस देश के लिए शहादत देकर गया हो। एक माँ ने लिखा और लाइन आप सभी को अच्छी लगे तो पूरे पंडाल से तालियां चाहूंगी। उस माँ ने अपना दर्द बयां किया उस चिट्ठी के अंदर, क्या लिखा हुआ था उस चिट्ठी में कि सुख भरपूर गया मांग का सिंदूर गया, सुख भरपूर गया मांग का सिंदूर गया, नन्हे नो निहालों की लंगोटिया चली गई, कि सुख भरपूर गया मांग का सिंदूर गया, नन्हे नो निहालों की लंगोटिया चली गई, बाप की दवाई गई भाई की पढ़ाई गई, कि बाप की दवाई गई भाई की पढ़ाई गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, अरे ऐसा विस्फोट हुआ पुलवामा के अंदर, ऐसा विस्फोट हुआ पुलवामा के अंदर, इस जिस्म का पता ही नहीं, सारे जिस्म की ये बोटियां चली गई, अरे नौजवानों की कीमत लगाने वालों, आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, लेकिन मेरे घर की तो सब रोटियां चली गई, मेरे घर की तो सब रोटियां चली गई। एक बाप का दर्द पूछना है, एक नौजवान का दर्द पूछना है तो उसके बूढ़े बाप से पूछ के देखो, एक नौजवान का दर्द पूछना है तो उसकी माँ से पूछ के देखो, जिसने 9 महीने अपने खून से गर्भ में रख के सींचा हो, इस देश के लिए लिखा पढ़ा कर बड़ा किया हो और फिर सेना में भर्ती कर दिया हो, और जब बेटा वापस आता है तो बेटा नहीं उसका शरीर वापस आता है। एक नौजवान का दर्द पूछना है उसकी बहन से पूछ के देखो, जिस बहन के लिए कोई कलाई राखी बांधने के लिए नहीं बची हो, एक नौजवान का दर्द पूछना है तो उसकी पत्नी से पूछ के देखो, जिस पत्नी का मांग का सिंदूर ही जवानी में उजड़ गया हो। नौजवान की कीमत लगाते हो, अरे हमारे नौजवान की कीमत नहीं है, इस देश का नौजवान तो हीरा है, हीरा जो अनमोल हीरा है। तीसरी लाइनों में क्या लिखा कवि ने,
भगत सिंह को फांसी लगने वाली थी, अंग्रेजों ने कहा कि अरे भगत सिंह माफी मांग ले, क्यों इस जिंदगानी को खोना चाहता है, अगर माफी मांग लेगा तो हम तुझे माफ कर देंगे। भगत सिंह ने जवाब दिया और कहा कि माफी, और वो भी मैं तुमसे मांगू। अरे माफी दो प्रकार के लोग मांगते हैं, एक तो माफी वो मांगता है जो किसी का गुनहगार होता है, और दूसरा माफी वो मांगता है जो गद्दार होता है। अरे ना तो मैं अंग्रेजों का गुनहगार हूँ और ना ही भारत माता का गद्दार, इसलिए मर तो सकता हूँ लेकिन माफी नहीं मांग सकता। अंग्रेजों ने कहा कि भगत सिंह क्या तुझे मरने से डर नहीं लगता, तो मुस्कुराते भगत सिंह ने जवाब दिया और क्या कहा कि लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, जब लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, जहां पे दर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना, वहां फरियाद क्या करना। ये मत सोचना कि भगत सिंह मारा जाएगा तो तुम्हारा सामना करने वाला कोई नहीं मिलेगा, अरे मैं मर गया तुम्हारे हिंद के उजड़ डेरे हो जाएंगे, कि मैं मर गया तुम्हारे हिंद के उजड़ डेरे हो जाएंगे और मेरे जैसे वीर भगत सिंह और बतेरे हो जाएंगे। अंतिम लाइनों में रागनी में क्या बताया, कहा ये भारत देश वो महान देश है, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, मेरे देश की यारो, मेरे देश की यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। सभी रागनी सुन रहे हो, ये कहा कवि ने कि कलाकार को मंच के ऊपर ऐसी कलाकारी करनी चाहिए जिससे अपने श्रोताओं का दिल खुश कर सके, और हरियाणा में कहते हैं भाई पेटानी भरा तुम से रागनी गाते, इसीलिए कहा कि कलाकार को ऐसी रागनी गानी चाहिए कि जिससे श्रोताओं का पेटा भर सके। अमन दिनों दे ओड़े सबका, अमन दिनों दे भरना चाहिए रे, चाहिए रे, चाहिए रे, नोटाई ऊपर भगत सिंह की सरदार छपना चाहिए रे, नोटाई ऊपर भगत सिंह की सरदार छपना चाहिए रे। भारत माँ का पूत लाडला, भारत माँ का पूत लाडला, दिल में बसना चाहिए रे, जो सच्चा हिंदुस्तानी है बिल्कुल सीधे हाथ खड़े करेंगे, कुछ लोगों ने हाथ खड़े नहीं किए, जो सच्चा हिंदुस्तानी है वो हाथ खड़े करेगा, और अगर कोई पाकिस्तानी बैठा है तो उससे हाथ खड़े करने के लिए नहीं कहूंगी। आप देशभक्त नहीं हो क्या, उठाइए तो हाथ, और सभी को दोनों सीधे हाथ खड़े कर मेरे साथ मिलकर ताली बजानी है और कहना है भगत सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए, उठाएंगे हाथ, नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे, 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 नोटा ऊपर भगत।
भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे।